हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम लोग तत् का पुल्लिंग शब्द रूप का ट्रिक देखने वाले हैं। तत् मतलब होता है वह। अगर तुम्हें हिंदी में किसी को वह बोलना है ना, तो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या फिर नपुंसक लिंग हो, सबको तुम वह कह के बुलाओगे। लेकिन अगर तुम्हें संस्कृत में किसी को वह बोलना है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्द का यूज होगा, पुल्लिंग के लिए अलग शब्द का और नपुंसक लिंग के लिए अलग शब्द का। तो पुल्लिंग के लिए सह शब्द का यूज होता है, सह। तो आज हम लोग सह का ही शब्द रूप देखेंगे। भाई, इसका तो फर्स्ट लाइन तुम सबको याद ही होगा। क्या चीज? सह, तौ और ते, याद है ना? हाँ, ये तो याद ही है। तो चलो इसके नीचे का शब्द रूप का ट्रिक देखते हैं। भाई, ट्रिक बस एक शब्द है। अब उस शब्द से तुम्हें पूरा शब्द रूप याद हो जाएगा। क्या है ट्रिक? बालक का ट्रिक से मिलता जुलता है। बालक का ट्रिक था मन या तस्य, स्टार्टिंग में मन था। तो इस ट्रिक का भी स्टार्टिंग में मन है। उसके बाद क्या है? मन में मातय मीन। क्या है? मन में मातय मीन। देखो, ये है इसका ट्रिक। इस ट्रिक का पहला लेटर है म, तो हमें यहाँ पर लास्ट में आएगा म। भैया, सा में म लगाना है या फिर कुछ और में म लगाना है? ये सह का शब्द रूप है, तो क्या करें? भाई, यहाँ पर हम तत् का शब्द रूप लिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर ता में म लगेगा। किसमें म लगेगा? ता में म लगेगा। तो क्या हो जाएगा? तम हो जाएगा। अब आगे है न। अब ता में न लगाओ। भाई, थोड़ा सा ध्यान रहे, अपना कॉमन सेंस का यूज करना। तम कितना गंदा सुना रहा है, यहाँ पर तेन होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा कॉमन सेंस यहाँ पर काम आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इधर ना त आधा स के बाद हमारा ट्रिक यूज होगा। ठीक है, बीच में आधा स भी लगाना है ना? चलो, ये चीज ध्यान रहे। वैसे तुम्हारा कॉमन सेंस भी बता देगा, अगर एक बार इस शब्द रूप को अगर पढ़े होगे ना, तो तुम्हारा कॉमन सेंस खुद बोल देगा। अच्छा, इसके बाद है मैं, मम आई मैं। तो चलो लगाओ त आधा स, मम आई तस्मय। अब मैं के बाद है मात, तो लगाओ त आधा स, मम अकार त तस्मात। मात के बाद है य, देखो यहाँ पर य है ना, तो लगाओ तस्य त आधा स य तस्य। अब य के बाद लास्ट में है मीन, तो क्या होगा जल्दी से बताओ? तस्मीन। हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड लाइन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा ट्रिक का काम भी खत्म हो गया है ना। देखो भाई, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, लगभग सारे शब्द रूप का एक ही प्रकार से चलता है। क्या चलता है? देखो यहां पर, या तो तुम बोलो यहां प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन में जो होता है ना, वही द्वितीय विभक्ति का द्विवचन में भी होता है। यहां पर जो होता है ना, वही इसके नीचे भी होता है। सब शब्द रूप में ऐसा ही होता है, सिर्फ ये तत् का शब्द रूप में नहीं, बालक में भी देखो, मुनि में भी देखो, फल लता सब में यही होगा है ना। उसके बाद तीन बार भ्याम भ्याम आता है लास्ट में, अतः भ्याम। यहाँ पर हम लोग तत् का शब्द रूप लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ताभ्याम आएगा। अगर लता का अगर शब्द रूप लिखते तो लताभ्याम आता, बालक का शब्द रूप लिख रहे होते तो बालकाभ्याम आता। तीन बार ना, गिन के तीन बार। उसके बाद है दो बार योह योह आता है। योह लता का शब्द रूप लिख रहे होते तो लता योह आता, बालक का शब्द रूप लिख रहे होते तो बालक का योह आता, और फल का शब्द रूप लिख रहे होते तो फल योह आता। तो हम लोग यहाँ पर तत् का शब्द रूप लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तयोह आएगा। दो बार तयोह तयोह आएगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग का सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गया आराम से। अब थर्ड लाइन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, मैंने तुम्हें बताया ही है कि ये शब्द रूप ना बालक के शब्द रूप से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बालक का शब्द रूप में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये सब चीज़ थोड़ा सा याद करो तो। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बालक, बालको, बालक, बालकम, बालको, बालकान, आन होता है लास्ट में, बालक कान है ना। तो यहाँ पर हम तत् का शब्द रूप लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तान होगा है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? बालकह होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग तत् का शब्द रूप लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तय होगा। अब भाई, इसके बाद तो बहुत ही आसान है। इसके बाद दो बार भ्यह भ्यह आता है, अतः भ यह में विसर्ग, भ्यह। बालक का शब्द रूप रहता तो बालक के भ्यह होता, अगर लता का शब्द रूप होता तो लताभ्यह होता। हम लोग तत् का शब्द रूप लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तेभ्यह होगा। दो बार तेभ्यह तेभ्यह। उसके बाद लास्ट में एक बार नाम आता है और एक बार सु आता है। तो भैया, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी शब्द रूप में यहाँ पर नाम आता है, लेकिन तत् का शब्द रूप में यहाँ पर नाम नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर शाम आएगा भाई, शाम। क्या हो जाएगा? ते शाम है ना।
अब यहाँ पर लास्ट में सु आएगा तो क्या हो जाएगा, टेशु। तत् का शब्द रूप पूरा लिख के खत्म कर दिए, यहाँ पर देख सकते हो, चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, और साथ में अगर कोई शक है यहाँ पर मैंने इसे भी ला करके रखा है, तुम यहाँ पर चेक करके भी देख सकते हो। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। और इसी प्रकार से और ट्रिक जानना है तो जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वीडियोज आराम से देख सकते हो, भाई बहुत प्यार से बनाया है यार, जा करके प्लीज देख लेना।